तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यह है जयनगर रेलवे स्टेशन जो कि इंडिया में है और यहाँ पर नेपाल रेलवे आए। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर जयनगर रेलवे स्टेशन से अगर नेपाल में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कितना रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही खास बात। तो थोड़ा सा हम पहले देखते हैं कि यहाँ का सजावट कैसा है, लुक वाइज कैसा है जयनगर रेलवे स्टेशन का, तो पहले हम वो भी देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अंदर और देखते हैं यहाँ का लुक वाइज लोकेशन। तो देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ का जो सजावट है वो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए ये वाला, देखिए जयनगर रेलवे स्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीका से सजाया गया है। आज फूलों से सजाया गया है, जैसे कि किसी दुल्हन को सजाया जाता है। ट्रेन को दिखाते हैं, देखिए आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये है नेपाल रेलवे, और नेपाल रेलवे को भी देखिए बहुत ही अच्छे तरीका से मॉडिफाई करके इसको सजाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और आप जहां तक आपका नज़र जाएगा नेपाल रेलवे पे एंड पॉइंट तक, इसको बहुत ही अच्छे तरीका से सजाया गया। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं, चलिए भाड़ा दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के लिए कितना भाड़ा हमको देना पड़ेगा अगर नेपाल रेलवे में सफ़र करते हैं तो। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कहाँ से, यानी जयनगर रेलवे स्टेशन से अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमको कितना रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए एक दो को हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं, बाकी आप लोग खुद ही अच्छे तरीक़े से इसको देख लीजिएगा जो चार्ट लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले लिखा हुआ है कि नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ है, जयनगर स्टेशन वाट अन्य स्टेशन या हॉल्ट हरू को यात्री भाड़ा दर है। क्रम संख्या 1 से लेकर 7 तक लिखा हुआ है। इसमें आप देखिएगा तो स्टेशन या हॉल्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ यात्रु भाड़ा दर नेपाली रुपया में, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आपको नेपाली रुपया दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जयनगर रेलवे स्टेशन से अगर हमको इनरवा जाना होगा तो इनरवा जाने के लिए हमको 20 रुपया नेपाली देना पड़ेगा। देखिए दूसरा है कि अगर जयनगर से अगर हम खजुरी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो हमको 25 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, और ये जनरल कोच का 25 रुपया है। लेकिन अगर आप एसी कोच में बैठ के जाइएगा तो आपको लगेगा 125 रुपया टोटल। तीसरा है देखिए महीनाथपुर, अगर जयनगर से अगर आप महीनाथपुर जाते हैं तो आपको देना पड़ेगा 35, यानी कि 35 रुपया देना पड़ेगा जनरल कोच का, और एसी कोच का आप देख सकते हैं वहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसी तरह से आप पूरे चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर जयनगर रेलवे स्टेशन से अगर किसी भी नेपाल रेलवे स्टेशन पर जाना हो तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, जो कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीका से। तो दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो के लिए मिस्टर ललन ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट और अगले वीडियो में।